क्या तुम लोगों के सामने कभी आए हैं टू चॉइसेस क्वेश्चन जिसका आंसर देना इम्पॉसिबल हो? ऐसे क्वेश्चंस जिसे देखकर बस कंफ्यूज हो जाओ कि यार इसे चुनूं या इसे चुनूं? अगर तुम लोगों का सामना नहीं हुआ ऐसे क्वेश्चंस के साथ तो चिंता ना करो, क्योंकि आज हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस से लड़ाई करने वाले हैं। क्योंकि आज हम लोग खेल रहे हैं वुड यू रैदर, और इस गेम में क्या होता है, हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है। मैं तुम्हें समझा क्यों रहा हूँ, खेलते हैं ना सीधा। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू रैदर स्मेल लाइक मैन्योर और स्मेल लाइक यूरिन? तो मैंने मैन्योर को स्मेल किया है, बिकॉज मेरे घर पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं तो इतनी बुरी नहीं होती। क्या तुम लोगों ने स्मेल किया है यूरिन को कभी भी? अगर तुम लोग पब्लिक बाथरूम यूज करते हो तो जरूर किया होगा, बट मेरी ऐसी कभी नौबत आई नहीं कि मैं पब्लिक बाथरूम यूज करूं। तो मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा साइंस में जा रहा हूं, पर ऐसा है यार कि यूरिन की स्मेल तभी आती है जब कोई टॉयलेट साफ ना किया हो कम से कम 4 महीनों तक। बट स्मेल लाइक यूरिन, आई विल चूज स्मेल लाइक मैन्योर। क्या 61% लोग सोचते हैं मेरे यूरिन की स्मेल इतनी प्यारी है, पूरे दिन सूंघ सकूं मैं उसे, काश मेरी स्मेल भी मेरे यूरिन जैसी होती। मैं इन 61% लोगों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ। वुड यू रैदर गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड फॉर 10 seconds और गेट स्लैब्ड 20 times? मैंने अभी अभी रियलाइज करा कि मेरे को इन हेडफोन्स की जरूरत नहीं है, इस गेम में साउंड नहीं है। So gets electrocuted for 10 seconds या फिर slapped for 20 times. अब यार ये depend करता है कि कितने volt का current लगेगा मुझे और slap मारने वाला कौन है, सामने आना चाहिए वो मेरे पहले। मुझे नहीं पता यार, इस पे बहुत सारी चीजें depend करती हैं कि electrocute मेरे को किससे किया जाएगा, कि छोटी मोटी वो जो बैटरी वाली आती है उससे लगाओगे या सीधा खंबे पे फेंक दोगे, ये डिपेंड करता है ना यार। कहीं मैं मजे मजे में इलेक्ट्रोक्यूटेड ले लूं और 4 बंदे आगे मुझे ठाके और खंबे पे ही फेंक रहे हैं बिजली के, वो मेन ट्रांसफार्म पे। अगर कोई सूखी सी गर्ल थप्पड़ मार रही है तो 66%। हाँ, वुड यू रैदर लिव अलोन ऑन अ ट्रॉपिकल आइलैंड, लिव विद अदर पीपल इन एंटार्क्टिका? मैं तुम लोगों को सही बताऊं, अलोन रहना बहुत मुश्किल है। बेशक तुम लोग स्ट्रांग हो जाते हो पर अलोन रहना बहुत मुश्किल है, इसीलिए लिव विद पीपल। देखा, तुम्हें पता है ये दुनिया कितनी जालिम है, मैं नहीं रहना चाहता लोगों के बीच में। भाई मैं अपने वहां ट्रॉपिकल आइलैंड पर जाऊंगा, मैं वहीं कुद्दाकादी करूंगा, वहीं कीकली खेलूंगा, वहीं अकेले मजे करूंगा, तुम लोग यहां तड़पना लोगों के बीच में। भाई मैं तो जा रहा हूं, ठीक है, मेरी फ्लाइट बुक कराओ रे ट्रॉपिकल आइलैंड की। इतने बावड़े हैं ये 46% लोग। इफ यू हैड टू चूज एन एरा टू लिव इन, वुड यू रादर लिव इन द टाइम ऑफ द एंशिएंट रोमन ग्रीक्स, लिव इन डार्क एजेस? जब मेरी एसएससी वाली मैम पढ़ाती थी ना, हम लोग लास्ट में बैठ के आराम से अपना लंच करते थे, तो मेरे से ये सवाल तो बिल्कुल भी मत पूछो। मुझे दोनों के बारे में नहीं पता दोनों में क्या होता था। डार्क एजेस थोड़ा डरावना वर्ड लग रहा है, मैं इसमें 77% ठीक ही होगा। फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ वुड यू रादर ड्रिंक द सेम थिंग, ईट द सेम मील? ओ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है। वॉटर फॉर द विन। क्या करूं, बिरयानी जिंदाबाद। क्या बाहर में जाएंगे 1 million लोग, मुझे अपनी बिरयानी चाहिए। ऐसी कैसी लिव इन, वुड यू रादर मैंशन इन बेवरली हिल्स? ये बेवरली हिल्स कहां पे है? बेवरली हिल्स कहां पे है? कहां पे है? सही में, हेलो सिटी ऑफ बेवरली हिल्स, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? पेंट हाउस इन मैनहट्टन, क्या बात है, सही में क्या? अरे कोई भी चलेगा, लिटरली दोनों में से कोई भी दे दो, सब चलेगा। वुड यू रादर पुट अ टूथपिक इन योर टोनेल एंड किक द वॉल? आओ, दर्द हो रहा है मुझे अभी से। हैव पेपर कट्स ऑल ओवर योर बॉडी एंड जंप इनटू अ पूल ऑफ लेमन जूस? Obviously भाई, अब ये कौन करेगा, इसे तो सोच के ही दर्द हो रहा है, इससे फिर भी दर्द नहीं हो रहा अभी। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता भाई। सोचो तुम्हारे अंगूठे के नाखून में कील ऐसे करके और तुम मार रहे हो दीवार। नहीं नहीं। Would you rather get $20 get frequently complimented for one day? इतना अच्छा लगेगा अगर लोग मुझे पूरे 1 दिन तक कॉम्प्लीमेंट्स करते रहेंगे, उससे ज्यादा खुशी तुम्हें कभी होगी नहीं ना। बाढ़ में गया, $20 दे दो मुझे, कॉम्प्लीमेंट से मतलब नहीं है मुझे। इफ यू कुड ब्रिंग बैक द 90s, वुड यू रादर ब्रिंग बैक 90s स्टाइल म्यूजिक एक्सेट्रा, स्टिक विद द करंट ट्रेंड्स?
हेलो मेरी बात सुनो, आजकल का ट्रेंड क्या है? दीपक कलाल और वो राखी सावंत शादी कर रहे हैं, वो ट्रेंड है सही में? ओ मैं समझ गया, फोर्टनाइट, ओ पबजी मोबाइल। अरे हाँ अरे हाँ। नहीं मुझे अभी फोन मिला मेरा, मैं पबजी मोबाइल खेलूंगा पूरे दिन बैठ के। नहीं मुझे पुराने म्यूजिक नहीं सुनने, मुझे पुराने स्टाइल नहीं चाहिए, मुझे पबजी मोबाइल खेलना है अपना। क्या यार तुम लोगों को नहीं पता 90s का जमाना क्या प्यारा जमाना था। इन द मार्वल सिविल वार वुड यू रादर सपोर्ट कैप्टन आयरन मैन ऑलवेज, आयरन मैन फॉर द विन? वुड यू रादर वॉच ओनली ड्रामास फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? ड्रामा तो चल ही रहा है, लाइफ ड्रामा ही तो है। वॉच ओनली कॉमेडीज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? मैं हंसना ज्यादा पसंद। देखा, ओहो क्या बात है, देख रहे हो मेरी चॉइस। अब ड्रामा कौन देखता है ड्रामा है? वो ये है मोहब्बतें जिसमें रमन अपनी पता नहीं सातवीं बार शादी करेगा। Would you rather be in jail for a year, live in complete isolation in the mountains for a year? भाई ओ मैंने जल्दी चुन लिया यार, सॉरी मुझे ये चुनना था, सॉरी 68% सॉरी, अरे मुझे ये चुनना था। सेम ही तो बात है, माउंटेन्स में रहना और जेल में रहना। Would you rather punch pilgrim eat an avocado? Avocado? ये avocado क्या है ये? तो पहली बार देख रहा हूँ मैं यार, ये क्या है? सटक सकते हैं हम, है ना? सटक जाएंगे, तुम्हें पता है हम सटक जाएंगे यार। 60% या सटक जाएंगे, 60% लोग सटक जाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा, मैं थूथड़ी तोड़ दूंगा पर मैं नहीं खाऊंगा। हाँ नहीं तो फॉर ऑल ऑफ योर लाइफ वुड यू रादर ओनली बी फोटोग्राफ्ड ओनली बी फिल्म्ड? एक्चुअली फिल्म ज्यादा बढ़िया है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग, अरे फिल्म में मेमोरीज रहेंगी, फोटोग्राफ में मेमोरीज रहेंगी, पर फिर भी फिल्म में ज्यादा मेमोरीज रहेंगी। हम तो शाये बंदे हैं, हम सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। अरे जाओ तुम लोग। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वुड यू रादर लूज एन आई एंड अ हैंड, लूज अ लेग एंड एन ईयर? सोचने दो यार, अगर मेरी आंख और एक हाथ चला गया, हाथ ये वाला जाना चाहिए है ना भाई? ओ भाई यार मेरे को यार चॉइसेस दो यार, कौन सा हाथ गवाना है मुझे? मैं ये वाला हाथ और ये वाली आंख चली गई तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लेफ्ट लेग चली गई तो यार राइट लेग से तो मेरे को खेलना ही नहीं आता यार, लंगड़ी टांग कैसे चलूंगा? और प्लीज मुझे ये कंफर्म करो कि अगर मेरा लेफ्ट ईयर चला गया या राइट ईयर चला गया तो मैं दूसरे कान से सुन सकूंगा ना बढ़िया। सही बताऊं तो मैं एक लेग के बिना और एक ईयर के बिना कितना अजीब लगेगा बंदा ना, ये लूंगा मैं। क्या लगता है मुझे लाइफ में डिसीजंस लेने नहीं आते। एनीवेज आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस। तुम लोग बताओ मुझे, क्या तुम लोगों की चॉइसेस मेरे से थोड़ी डिफरेंट थी? तुम लोगों ने क्या क्या चूज किया? कमेंट करो जल्दी और मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।